Hello guys, what's up? This is Suraj and you are watching my YouTube channel SKV Blogs. आजकल आपको मालूम है कि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है. अभी लॉकडाउन जो था वो और भी ज़्यादा मतलब एक्सटेंड हो गया है कुछ. मेरे को लगता है ये शायद अभी और जाएगा आगे. तो दोस्तों अभी क्या हुआ कुछ देर पहले कि रिलायंस रिटेल में जितने भी बंदे हम लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है, तो अभी मेरे दोस्त ने एक पोस्ट उस पर डाली, एक वीडियो डाला जिसपे कि मतलब कि हमारे बगल पे ही बसंती कॉलोनी में मतलब कुछ नोट्स वगैरह गिरे हुए थे, 50-50 के थे ऐसा मेरे पापा ने बताया था सुबह. और मैं अभी भी देखा तो मतलब 50-50 के नोट थे अराउंड. मेरे पापा ने जैसा बताया कि 1540 रुपए थे, और लेकिन मतलब एक रूमर्स आ रहा है कि कोई बोल रहा है 20,000 थे, कोई बोल रहा है कि 50,000 समथिंग थे. तो भाई जो भी हो, जितना भी अमाउंट हो उससे लेना देना नहीं, लिखना है कि भाई ऐसा मतलब हो सकता है कि किसी आदमी का गिर गया हो या फिर कोई जानबूझ के गिराया हो वहाँ पे. तो लोगों ने क्या किया, उस पैसे को उठाने के बजाय पुलिस को कॉल किया, और मतलब पुलिस को कॉल किया और पुलिस लोग आके शायद ले गए होंगे वो पैसे वैसे कलेक्ट करके. तो लोगों ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे. पहले देखते ना उठा के भागे नहीं. टी शर्ट क्या जरूरत है, आईडी कार्ड है ना. शर्ट रुपए है अभी अभी सारा काम खत्म करके हम लोग निकले हैं गोलू का बाइक के लिए टायर लेने. और अभी हम लोग है सिविल टाउनशिप और जा रहे हैं हम लोग पानपोस्ट की तरफ. MRF4 बीच में नहीं होगा फिर. सो अभी हम लोग आ गए हैं घर, और अभी घर आने के बाद तुरंत हमें निकलना है बाइक का टायर लगवाने गोलू का. और गोलू का बाइक जो है सामने खड़ा हुआ है, और गोलू अभी घर गया हुआ है तो उसको बुलाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से बाइक का टायर लगाने के लिए. ये टायर इसमें करीबन 5-6 पंचर है और ये टायर पूरा घिस चुका है, तो ये टायर अभी होगा चेंज. ऋषि पैर फंस गया.
सात पंचर, एक दो तीन चार पाँच छ सात, और बाकी जो पंचर है वो बनाएंगे। ये देखो टायर का हाल देखा, डैमेज ताकत और दिमाग का काम है, ताकत का काम नहीं है, सिर्फ दिमाग का काम है। बढ़िया अंकल जी, टाइम क्या हो रहा है देखते कुल? बारह बज चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी चहल पहल है रोड पे। एक साइड तुमको फुल लग रहा है ना, ये वाला साइड फुल लग रहा है ना, वो हो जाएगा। सो गुड मॉर्निंग, कैसे हो? और एक नया दिन। और कल क्या हुआ कि कल मैं आया बाइक का टायर लगवा करके, उसके बाद घर पे आकर के सो गया था, और शाम को उठा और कुछ काम से मैं निकल गया था। रात को करीबन 9 बजे के आसपास घर आया, और खाते ही मैं सीधा, मतलब इतना थक गया था कि और कुछ मतलब रहा नहीं गया, मैं खा करके सीधे बेड पे चला गया सोने। उसके बाद सुबह उठा और तैयार होकर के मैंने गुल्लू को कॉल किया, तो गुल्लू बोला कि भाई यहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो उस साइड पे क्रिकेट चल रहा है। और अभी मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला है कि हमारे यहाँ पे राउरकेला पे सारी दुकानें जो हैं सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक खुलेंगी, और कुछ झलक मैंने कल भी देख लिया था, कल जब मैं काम से बाहर निकला था तो सारी दुकानें खुली हुई थी। तो इसका मतलब क्या लॉकडाउन जो है हमारा यहाँ पे राउरकेला पे ख़त्म हो गया है या फिर नहीं हुआ है, कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे रेड जोन भी है और ऑरेंज जोन भी है। तो रेड जोन में टोटली शटडाउन है। रेड जोन में दो जोन है बेसिकली, एक कंटेनमेंट जोन और एक बफर जोन। ये दो जोन जो है यहाँ पे सारी दुकानें जो है बंद है, और इसको छोड़ करके सारी जगहें जो है मतलब सारी दुकानें खुली हुई हैं, सारे शोरूम खुले हुए हैं, हर चीज़ खुला हुआ है, बस एक चीज़ को छोड़ करके ठेके। तो यहाँ पे क्या है कि ठेके जो है अभी तक उड़ीसा सरकार ने मतलब ये बोला नहीं कि ठेके खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपके शहर में क्या माहौल है, ठेके खुले हैं कि नहीं खुले हैं। जा रहा हूँ क्रिकेट देखने हैं, या फिर हो सकता है मैं क्रिकेट खेलूँगा अभी। तो आज का जो ब्लॉग है यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको पता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है, तो भाई बर्थडे से पहले 1K तो करवा दो भाई, अभी 689 हुआ है बस, और कुछ ही चाहिए, तो फटाफट से करवा दो 1K, और उसके बाद भाई अपना एक टारगेट तो कंप्लीट हो जाएगा, और एक टारगेट रहेगा हमारा वॉच टाइम जो है हमें कंप्लीट करना है, तो वॉच टाइम के पीछे हम लोग लग जाएंगे। तो भाई तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, मिलेंगे अगले ब्लॉग में।